वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी लोगो या टेक्स्ट पर इस तरह का ग्लोसी प्लास्टिक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने लोगो को ओपन कर लीजिए, जिस भी लोगो पे आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। हमें इसे वन कलर लोगो पे अप्लाई करना है, जैसे कि मेरे पास ये कोमा का लोगो है। हमें इसके कंट्रास्ट को और बेहतर करना है, यानी इसको प्योर ब्लैक बनाएंगे। हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस कीजिए, इसके लेवल की विंडो को ओपन कर लीजिएगा। अब हम ये देखिए, यहाँ से इस स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ और इस स्लाइडर को मैं लेफ्ट की तरफ लेके आऊँगा। इसको प्योर ब्लैक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप चैनल्स के टैब पर क्लिक कीजिए। अगर आपका टैब यहाँ पर ना दिख रहा हो तो आप यहाँ से जाइएगा विंडो में, यहाँ से चैनल्स पर क्लिक करेंगे तो आपका टैब यहाँ दिखने लगेगा। कंट्रोल प्रेस करते हुए किसी भी एक चैनल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ लेयर्स में वापस आएंगे। यहाँ आने के बाद हमें लेयर को अनलॉक पे करना है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से ये देखिए अनलॉक हो चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कीजिएगा। ये देखिए आपका वाइट एरिया डिलीट हो चुका है। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लीजिए, जिस भी बैकग्राउंड पर आप ये लोगो प्लेस करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला एक बैकग्राउंड है, आप इस तरह का कोई भी डार्क बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, वी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से और इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ ले आएंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज यानी बड़ा करना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। हमें इसको सेंट्रलाइज भी करना है, इसके लिए कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है कैनवस की। यहाँ से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसको सेंट्रलाइज कर देंगे। इसके बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसको डीसेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम इसी लेयर के सामने ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमें इसे कलर ओवरले देना है, इसको सेलेक्ट कीजिए। कलर पिकर पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से फिलहाल कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, हम इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी आप 100% रखिएगा और ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे बेवल एंड इम्बोस। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखेंगे। यहाँ स्टाइल में इनर बेवल रखेंगे, टेक्निक में हम स्मूथ रखेंगे। डेप्थ को यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करूँगा, यहाँ पे मैं 32% रखता हूँ। डायरेक्शन को हम यहाँ पे अप रखेंगे। साइज़ को भी मुझे इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर मैं 20 पिक्सल्स रखूँगा और सॉफ्टन की हम यहाँ पर 2 पिक्सल्स देंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप अनचेक रखिएगा। यहाँ पर इसके एंगल को हम 150 डिग्री देंगे और एल्टीट्यूड को हम यहाँ पे 46 देंगे। ग्लास कॉन्टूवर के इस डॉट वन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हुए हम नीचे लेके आएंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे रिंग ट्रिपल। इसको सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट मोड में आप स्क्रीन रखिएगा। यहाँ पे कलर पिकर पे क्लिक कीजिए, यहाँ से वाइट सेलेक्ट कीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर मैं 75 रखता हूँ। शेडो मोड की ओपेसिटी को हम 0 रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे कॉन्टूवर। कॉन्टूवर के इस डॉट वन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे रिंग डबल, ये वाला। इसके रेंज को हम यहाँ पे 100% रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ पे इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ पर मल्टीप्लाई रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पर 50% रखेंगे। नॉइज़ आप यहाँ पर 0 रखिएगा। कलर आप कलर पिकर पे क्लिक करते हुए यहाँ से ब्लैक चूज़ कीजिएगा। टेक्निक में हम यहाँ पे सॉफ्टर रखेंगे, सोर्स में हम यहाँ पे एज रखेंगे। चौक को हम यहाँ पे 10 रखेंगे और साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे मैं 30 रखूँगा। कॉन्टूवर आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा, ये देखिए टॉप पे। ये वैल्यूज़ देने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम इसके वाइट एरिया को कम करेंगे, यानी इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हैं ज़्यादा इस लोगो में। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। जो टॉप वाली कॉपी है इसके बेवल एंड इम्बॉस के फिल्टर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे फिर से लेयर स्टाइल के बेवल एंड इम्बॉस में। यहाँ आने के बाद हमें इसके एल्टीट्यूड को 46 से 45 करना है और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। और इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे, यहाँ पर हम 60% के आसपास रखेंगे और यहाँ से एंटर कर दीजिए। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा शिफ्ट प्रेस करते हुए। ये देखिए दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है और इन पर राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और इसे एक ही ऑब्जेक्ट बना देंगे।
नेक्स्ट हम इसी लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हुए फिर से आ जाएंगे ले स्टाइल में। यहाँ आने के बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो, इसकी वैल्यूज़ को हमें थोड़ा चेंज करना है। यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कीजिएगा। यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर डॉज, इसकी ओपेसिटी को भी कम करना है। यहाँ पे मैं 25% रखता हूँ। नॉइज़ हम यहाँ पे 0 रखेंगे। कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम वाइट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। टेक्निक में हम सॉफ्टवेयर रखेंगे, सोर्स में हम यहाँ पर सेंटर रखेंगे। चौक को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर मैं 15% रखता हूँ और साइज़ को यहाँ पर हम 25% रखेंगे, सॉरी 25 पिक्सल्स रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद लास्ट में हम यूज़ करेंगे ड्रॉप शैडो। इसका ब्लेंडिंग मोड आप यहाँ पे लीनियर बंद रखिएगा और कलर पिकर पे क्लिक करते हुए यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट कीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे 10% रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट को आप चेक रखिएगा और यहाँ एंगल हम इसका देंगे 90 डिग्री। डिस्टेंस हम यहाँ पर देंगे 20 पिक्सल्स। सेपरेट हम यहाँ पर 0 रखेंगे। साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर हम 21 पिक्सल्स देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा ग्लोसी प्लास्टिक इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए लास्ट स्टेप में हम देखेंगे हम किस तरह से इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सेचुरेशन। यहाँ आने के बाद इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी पर अप्लाई होगा। अब हम ह्यू के स्लाइडर की मदद से अपने कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये देखिए स्लाइडर को मैं अगर लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कलर्स चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरह आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कलर्स रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे, कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी अपने किसी लोगो या टेक्स्ट पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।